सबको नमस्कार। फिर से एक नए सफ़र की शुरुआत, और यह सफ़र स्टार्ट होता है दिल्ली से अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश के लिए। यहाँ से चलेंगे कश्मीरी गेट के लिए। कश्मीरी गेट में ये HRTC की बस हमने ले ली है और ये हमें अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ेगी। अभी कुछ दिनों के लिए बाय बाय दिल्ली, वापसी आके मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और अभी हम चल पड़े हैं कश्मीरी गेट से। 10 बजे का टाइम हो रहा है, लास्ट बस थी ये। और ये कश्मीरी गेट कुछ इस तरीके का दृश्य है रात का, आप देख सकते हैं। पूरे 10 घंटे का सफ़र है, देखो कैसे कटता है। CM साहब बाय, ध्यान रखना दिल्ली का थोड़े दिन के लिए। और चलते चलते दिल्ली में ये आपका खूबसूरत सिग्नेचर ब्रिज, जो कि एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दे रहा है। सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं कि तिरंगे की तरह लाइटें जगमगा रही हैं, और बहुत ही अच्छा नज़ारा। सुबह होते हम पहुंच गए जी अपने हिमाचल प्रदेश, एंट्री कर चुके हैं। और हरी हरी वादियाँ, हरे हरे हरियाली है चारों तरफ। और मौसम सुबह का ऐसा है कि धुंध सी पड़ी हुई है चारों तरफ। और आप नीचे डेप्थ में देख सकते हो, ये गोविंद सागर झील है जिसके ऊपर कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बनाया गया है। और ये आगे चलते चलते चलेंगे, बहुत ही अच्छा नज़ारा सुबह सुबह का, पहाड़ों का। घर की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बरसात ने भी अपना कहर बरपाया है, ऐसा बात नहीं है। पहाड़ों पे रहना कठिन भी होता है, हरियाली है, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रहना उतना ही कठिन है। फाइनली पहुँच चुके हैं अपने घर, अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश। कल शाम को 10 बजे चले दिल्ली से, बड़े भागते भागते हमने बस लिए। अगर 1 मिनट की भी देरी हो गई थी ना भाई साहब, तो बस छूट गई होती, और वो लास्ट ही बस थी। वैसे तो 10 घंटे का सफ़र है, पर मुझे लग गए हैं 12 से 13 घंटे लग गए, क्योंकि बीच में मुझे रुकना था। तो पहले मैं वहाँ रुका, मैंने वो बस छोड़ी, उसके बाद मैंने फिर एक और बस बदली है, और फाइनली मैं अपने होम टाउन में पहुँच चुका हूँ। होम टाउन में अपने कमरे में हूँ, और कमरे का व्यू कुछ इस तरीके का है, देख लीजिए। एक बड़े बाप के भाई की अलमीरा है, और ये एक पीछे वेंटिलेटर सा भी है छोटा सा, और ये लो गद्दा चारपाई जिसके ऊपर पूरी थकान उतारेंगी थी अपनी, क्योंकि 10-12 घंटे का सफ़र किया है, थक चुका है इसलिए। ठीक है, पहले फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद नहा धो लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर करेंगे रेस्ट, फिर मिलते हैं बाद में आपसे। और अपने जो गांव का एरिया है या गांव का जो भी माहौल है वो आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए